एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक का स्टार्टिंग है। बेसिकली इस वीक की शुरुआत करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, इंटरनेशनल लेवल पर ये देखा गया था कि सिक्योरिटी केवल एक एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक पूरा एक कल्चर होना चाहिए जहाँ कि बाकी सब लोगों को भी हम लोग ये एहसास करा सकें कि ये कलेक्टिव काम है। हर सिटीज़न भी अपने आप में जिस तरह से पुलिस ऑफिसर माना जाता है, उसी तरह से इवन पैसेंजर या जो कैजुअल वर्कर काम कर रहे हैं, एयरलाइन की एजेंसीज़ हैं, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट हैं, जो भी यूज़ करने वाले लोग हैं और इवन आसपास में रहने वाले लोग हैं, सब लोगों का एक सामूहिक दायित्व है कि सब मिलके काम करें और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जिनको कि हम नॉर्मली तवज्जो नहीं देते हैं, बोलते हैं अरे नहीं ये तो हमारा नहीं, पुलिस का काम है, CISF का काम है या BCS का काम है, उसको उनका काम ना सोच के ये सोचें कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरे को भी सेफ्टी चाहिए, मेरे को भी सिक्योरिटी चाहिए, मैं अगर ट्रैवल करूँगा मेरा रिलेटिव ट्रैवल करेगा, दोस्त ट्रैवल करेगा तो वो सेफ़ रहे, एयरपोर्ट हमारे सेफ़ रहे, आसपास का एनवायरनमेंट सेफ़ रहे। तो उस सोच के साथ में आज ये बिगनिंग थी, आज इनॉग्रेशन था जिसमें कि सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये पूरे हफ्ते प्रोग्राम चलेंगे जिसमें बाकी एजेंसी भी पार्टिसिपेट करेंगी। ये पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और गुवाहाटी के लोगों ने आज इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया, आप लोगों ने देखा है। थैंक यू। एक युवक ने जज साहब के ऊपर हमला कर दिया, किंतु CISF के सजग और चुस्त प्रोडक्शन टीम के द्वारा उस हमलावर को कामयाब होने से पहले ही खत्म हो गया और जज साहब को सुरक्षित फैसला देकर उनके गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। कब्जे में ले लिया जाता है और पैसेंजर से उसके ओरिजिनल लाइसेंस दिखाने के लिए बोला जाता है, किंतु ओरिजिनल लाइसेंस ना दिखाने पर पैसेंजर को SOP के मुताबिक डील किया जा रहा है और पैसेंजर को लोकल पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है।